ज्ञान गुरु एकेडमी में आपका स्वागत है। इससे पहले हम 12 तक क्वेश्चन कर चुके थे, आइए अब आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 13, 13 क्वेश्चन कह रहा है कि टैन 1/2 बड़ा कोष्टक साइन इनवर्स 2x/1+x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² / 1+y². अब देखिए, अब हमें सवाल टेन में ही लगाना है, ये साइन में दिया है, कास में दिया है, तो ऐसा सोचा जाए कि एक्स के स्थान पे क्या रखा जाए, वाई के स्थान पे क्या रखा जाए कि हमारा एक फार्मूला बन जाए। तो देखिए, एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, 2 tan θ/1+tan²θ, और एक होता है cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 - tan²θ/1+tan²θ। देखिए यही चीज होता है, और यहाँ पे अगर x के स्थान पे tan थीटा रख दिया जाए तो sin 2 थीटा बन जाएगा, और y के स्थान पे tan रख दिया जाए तो ये हमारा cos 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो माना एक्स बराबर टेन थीटा और वाई बराबर मान ले रहे हैं टेन फाई, क्योंकि दोनों को ये वाई है और ये एक्स है, तो दोनों का थीटा एक फाई मान लिया गया। अगर थीटा की वैल्यू निकाले यहाँ से तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और यहाँ फाई की वैल्यू निकाला जाए तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक, अब एक्स के स्थान पे हम रखें टेन थीटा, तो टेन इनवर्स 1/2, टेन 1/2 साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर रखिए टेन थीटा अपान 1+tan²θ, ठीक, प्लस कॉस इनवर्स 1 - वाई के स्थान क्या रखेंगे, टेन स्क्वायर फाइव 1+tan²θ। अब देखिए, ये हमारा 2 tan θ/1+tan²θ है, इसके स्थान पर रख सकते हैं साइन 2 थीटा, और 1 - tan²θ + 1+tan²θ के स्थान पर रख सकते हैं कॉस 2 थीटा। तो ये हो गया टेन 1/2 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 फाई हो गया। अब यहां पे देखिए, साइन इनवर्स दिया है और ये साइन दिया तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा टेन 1/2 2 थीटा प्लस यहां पे क्या बचेगा, 2 फाई बचेगा। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, दो कॉमन मिल रहा है, तो टेन 1/2 अगर दो बार कर लिया जाए तो थीटा प्लस क्या बचेगा, फाई बचेगा, दो से दो कैंसिल हो जाएगा। अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस फाइव हो जाएगा, अब इसको लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस फाइव। अब यहां पे देखिए, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स है और फाइव की वैल्यू टेन इनवर्स वाई है, ठीक, तो यहां पे रखा जाए टेन टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई हो जाएगा। आपको इससे पहले फार्मूला लिखवाए होंगे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता क्या है, ये होता है टेन टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1+x(y), टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 - होता है, 1 - होता है। अब यहां पे देखिए कि टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स प्लस वाई अपान 1 - xy, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अगर समझ में आया है तो बताइएगा, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब चल रहे हैं 14। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स ब्रैकेट 1 बराबर 1 तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक दिया है साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। इसमें एक्स की वैल्यू पूछ रहा है कि एक्स का मान क्या होगा। इसको आप लोग देखिए, अगर साइन को अगर हम पक्षांतर कर दे रहे हैं तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब ये देखिए कि साइन इनवर्स जो 1 है किसका मान होता है, आपको पढ़ाया गया होगा मुख्य मान में। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1 होता है, तो π/2 क्या हो जाएगा 2। इसको पक्षांतर कर लीजिए तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस इक्वल π/2 माइनस क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। देखिए ये साइन में है और इधर भी साइन में बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको एक फार्मूला बताया गया होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2। अगर कॉस इनवर्स को पक्षांतर कर दिया जाए तो π/2 माइनस क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हमारा दिया गया है और इसके स्थान में क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। इसके स्थान पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखिए इधर भी साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स इधर है, साइन इनवर्स 1/5 यहाँ पे दिया गया है। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है, 1/5 इधर है और एक्स है, या एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और हमेशा इसको ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन हमेशा एक्स की वैल्यू हमेशा हर साल पूछता है। इसके बाद हम चल रहे हैं नंबर 15। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/(x+2) प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/(x+2) बराबर π/4 तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऐसे सवाल सॉल्व किए थे। टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/(x-2) प्लस टेन इनवर्स x+1/(x+2) बराबर क्या दिया है π/4 दिया है और इसमें भी कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। अब x का मान ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला हम बताए होंगे कि tan इनवर्स x+tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x+y/(1-x)y। ये फार्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद रहेगा तो आप इसी फार्मूले की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। टैन इनवर्स ये हमारा एक्स दिया है और ये क्या दिया है, वाई दिया है। तो टैन इनवर्स एक्स के स्थान पर रखेंगे x-1/(x-2) प्लस वाई के स्थान पर रखेंगे x+1/(x+2) 1-x के स्थान पर रखेंगे x-1/(x-2) इंटू वाई के स्थान पर रखेंगे x+1/(x+2) इक्वल इज टू क्या है π/4 दिया गया है। अब इसी में सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर देंगे और टेन इनवर्स को पक्षांतर कर देंगे तो आपका x की वैल्यू निकल जाएगा। तो टेन इनवर्स अब देखिए x-1 ये भिन्नों का जोड़ है, जैसे 1/2 + 1/3 जोड़ते हैं वैसे ही इसका क्या करेंगे कि दोनों का हर का एलसीएम लेंगे। तो हर का एलसीएम लेंगे तो x-2 और x+ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इससे भाग देंगे ये कटेगा इसका, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x-1 और x+ क्या हो जाएगा 2 प्लस x+2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारा x-2 तो x+1 और ये हो जाएगा x-2 पूरे का बट्टा। अब देखिए
इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा वन में किया जाए तो ये आएगा एक्स माइनस दो और एक्स प्लस दो माइनस एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन अपान एक्स माइनस दो और एक्स प्लस दो बराबर क्या दिया है पाई बाई फोर दिया है। अब यहाँ से हर शहर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आप लोग इसको उतार लीजिए। अब इसके बाद टैन इनवर्स, अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस दो प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स और माइनस दो अपान इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर हो जाए क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यह भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा बराबर क्या दिया है पाई बाई फोर दिया गया है। टैन इनवर्स अब ये जोड़ दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स में से घटाएंगे क्या बचेगा एक्स माइनस दो प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स प्लस एक्स बराबर क्या होगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस दो अपान एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक हो जाएगा बराबर क्या दिया है पाई बाई फोर। अब देखिए क्या क्या कट रहा है एक्स से एक्स कट गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया टैन इनवर्स एक्स स्क्वायर में तो क्या हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस दो माइनस दो माइनस फोर अपॉन माइनस चार प्लस वन बराबर क्या हो गया पाई बाई फोर। अब टैन को पक्षांतर कर लिया जाए तो ये बचेगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस फोर प्लस वन बराबर हो जाएगा टैन पाई बाई फोर। अब यहाँ पे टैन पाई बाई फोर का मतलब टैन पैंतालीस हो गया और टैन पैंतालीस का मान क्या होता है एक होता है। यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इसको घटाएंगे तो माइनस थ्री हो जाएगा और टैन पैंतालीस का मान क्या होता है एक होता है। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बराबर क्या हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा। अब ये माइनस फोर को पक्षांतर कर दीजिए तो टू एक्स स्क्वायर बराबर माइनस थ्री प्लस फोर तो टू एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा वन एक्स स्क्वायर बराबर निकाला जाएगा तो एक बटा दो। जब एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो देखो छोटी क्लासों में प्लस माइनस नहीं लिखते हैं लेकिन बड़ी क्लासों में जब जाते हैं तो प्लस माइनस लिख के एक बटा अंडर रूट में क्या हो जाएगा टू और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चल रहे हैं सोलह नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पे दिया गया है सोलह नंबर कि साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री दिया गया है और कह रहा है क्वेश्चन कि सोलह से अठारह में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हमारा टू पाई बाई थ्री का मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो साइन इनवर्स एक्स जो उसका मुख्य मान होता है वो हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही आना चाहिए और ये हमारा 120 है। तो देखिए साइन इनवर्स का मुख्य मान होता है माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू होता है इसके बीच में ही होता है मान। अब इसको सॉल्व किया जाए तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस टू पाई बाई थ्री देखिए क्यों लिखे हैं क्योंकि हमें कर्ण बदलना है तो साइन 180 माइनस थीटा आपने पढ़ा है कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा होता है ठीक। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन और साइन से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा पाई माइनस टू पाई बाई थ्री बचेगा ठीक। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो थ्री पाई माइनस टू पाई बाई क्या हो जाएगा थ्री और यहाँ पे थ्री पाई में से टू पाई घटाएंगे तो पाई बाई क्या हो जाएगा थ्री यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
अब चल रहे हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टैन इनवर्स टैन 3π/4, और यह भी टैन इनवर्स जो होता है -π/2 से π/2 के बीच में ही आना चाहिए। ये हमारा होगा टैन इनवर्स का मुख्य मान या मुख्य मान शाखा -π/2 से π/2 है। तो ये हो जाएगा हमारा टैन इनवर्स टैन π -π/4। अगर पाई में से π/4 घटाएगा 4 तो आ जाएगा 3π/4 आ जाएगा। अब हमको एक चीज पता है कि टैन 180 माइनस थीटा बराबर होता है -tan θ। ठीक, टैन 180 माइनस थीटा और क्या होता है -tan θ। ये हो जाएगा टैन इनवर्स माइनस टैन पाई बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -tan π/4। अब यहां से टैन इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं टैन, एक मिनट, ठीक है, अब इसको π/4। अब टैन माइनस थीटा होता है -tan θ होता है। अब टैन से टैन कैंसिल हो जाएगा तो आएगा -π/4 और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चल रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 कह रहा है कि टैन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसका भी मान ज्ञात करना है। अब देखिए, सबसे पहले हमें साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है टैन इनवर्स एक्स अपार रूट में 1 - x². इससे पहले आपको हम फार्मूला लिखवाए होंगे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है टैन इनवर्स एक्स अपार 1 - x², क्योंकि अगर ये साइन में दिया है, ये कॉट में दिया है, अगर इसको टैन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसको भी हम टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको अगर साइन इनवर्स हमें 3/5 की वैल्यू इसको टैन में कन्वर्ट करना है तो एक्स के स्थान पर क्या दिया है 3/5, तो जहां जहां एक्स लिखा है वहां पर आप भी 3/5 कर लीजिए, 1 - 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा टैन इनवर्स 3/5/1 - 9/ क्या हो जाएगा 25। ठीक, 9/ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, टैन इनवर्स 3/5 25 16 क्या हो जाएगा रूट में 25 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल होता है हमारा 4 और 25 का वर्गमूल होता है हमारा 5। तो टैन इनवर्स 3/5/4 हमारा हो जाएगा 5। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो टैन इनवर्स और क्या निकलेगा 3/4। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या निकला, साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू हमारा निकला, टैन इनवर्स 3/4 निकला। अब जहां साइन इनवर्स 3/5 लिखा गया है उसके स्थान पे हम लिख सकते हैं टैन इनवर्स 3/4। और एक चीज हम आपको बताए होंगे कि अगर हम काट को बदलेंगे 3/2 टैन में तो टैन इनवर्स ये हमारा जो हर होता है अंश में कन्वर्ट हो जाएगा और अंश जो होता है हमारा हर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो हम काट इनवर्स 3/2 के स्थान पर लिख सकते हैं टैन इनवर्स 2/3 लिख सकते हैं, और साइन इनवर्स 3/5 के स्थान पर लिख सकते हैं 3/4। ठीक, इतना उतार लीजिए आप लोग। उसके बाद टैन इनवर्स टैन दिया था। अब इसके बाद हमारा दिया था साइन इनवर्स 3/5, इसके स्थान में क्या बोले थे कि टैन इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं प्लस, उसके बाद कॉट इनवर्स 3/2 के स्थान पर लिख सकते हैं टैन इनवर्स 2/3। ठीक,
करेंगे कि यहाँ पे देखिए आपको फार्मूला ऐसे सवाल हम सॉल्व कराए थे कि टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई, तो ये हो जाएगा टेन टेन तीन बटा चार प्लस दो बटा क्या हो जाएगा तीन अपॉन वन माइनस तीन बटा चार इंटू दो बटा तीन, ये हो जाएगा। ये फार्मूला जो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई बराबर क्या है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई होता है। अब यहां पर टेन इनवर्स है टेन टेन इनवर्स चार और तीन का एलसीएम लेंगे तो बारह हो जाएगा, चार तीन बारह ये हो जाएगा नौ, तीन चौको बारह चार दुना के आठ बटा यहाँ पे तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा दो दुना के चार तो वन माइनस एक बटा क्या हो जाएगा दो हो जाएगा। तो टेन टेन इनवर्स नौ आठ सत्रह सत्रह बटा बारह दो एक कम दो और दो में से एक घटाएंगे तो क्या होगा एक बटा दो हो जाएगा ठीक। उसके बाद टेन टेन इनवर्स दो छका बारह तो ये हो जाएगा हमारा सत्रह बटा छ, टेन इनवर्स सत्रह बटा क्या हो जाएगा छ हो जाएगा और टेन टेन इनवर्स से कट जाएगा तो क्या आएगा सत्रह बटा छ हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपकी किताब में दिया गया है बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया गया है 19, 20 और 21 ठीक है, इसको हम करा दे रहे हैं आपका। आपकी किताब में जो 19 क्वेश्चन बहुविकल्पी दिया गया है कि कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 का मान बराबर है किसके बराबर है, चार ऑप्शन आपके एग्जाम में भी पूछता है। तो देखिए जैसे कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 दिया गया है, अब इसके बराबर कौन सा ऐसा मान है कि जो इक्वल इसके बराबर है, तो कॉस इनवर्स 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6 मतलब कहने का ये है कि कॉस 360 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा ठीक, ये 2 पाई का मतलब होता है 360 ठीक, 360 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहां पे देखिए यहां पे कॉस भूल गए हैं कॉस ठीक, अब कॉस इनवर्स कॉस से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6 बचेगा। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दुना के 12 पाई हो जाएगा, 12 पाई में से 7 पाई घटाएंगे तो 5 पाई बाई क्या हो जाएगा 6 और ये किसके बराबर था, ये हमारा जो बराबर है वो हमारा 5 बाई 5 पाई बाई 6 के बराबर है, इसका मतलब कि हमारा बी ऑप्शन क्या है सही है। अब चल रहा है नंबर 20 क्वेश्चन, कह रहा है कि साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 बटा 2 का मान है किसके बराबर है, तो ये हम साइन पाई बाई 3 हो गया माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 बटा 2 इसी का मान पूछ रहा है, तो साइन पाई बाई 3 माइनस आपको ये मान मुख्य मान में पढ़ाए होंगे कि साइन इनवर्स माइनस 1 बटा 2 जो मान होता है वो हमारा होता है माइनस पाई बाई 6 का होता है ठीक ना, पाई बाई 6 का होता है और माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई क्या हो जाएगा 6 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 6 3 गुणा से 2 पाई प्लस 6 पाई ये हो जाएगा 3 पाई, तो साइन 3 पाई बाई 6 इसको हम बदला जाए तो साइन 3 गुण 180 बटा 6 छत्री 18 छत्री 18 30 हो जाएगा और 30 किया 90 साइन ये हो जाएगा 90 और साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है और इस ऑप्शन में हमारा एक हमारा डी ऑप्शन है वही हमारा आंसर क्या है करेक्ट है ठीक है। अब चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे, अब चल रहे हैं नंबर 21, ये लास्ट क्वेश्चन इसका दिया गया है कि टेन इनवर्स रूट में 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट में 3 कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, चार ऑप्शन दिया गया है आपके सामने। उसके बाद अब यहाँ पे फार्मूला है
cot इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, और यहाँ पे देखिए एक्स यहाँ पे माइनस एक्स के स्थान पे दिया माइनस कर दिया तीन, तो tan इनवर्स रूट में थ्री माइनस, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस cot इनवर्स रूट में थ्री, ठीक है, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस cot इनवर्स रूट में थ्री, और इसका माइनस में मल्टीप्लाई किया जाए, अब इसका माइनस में मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस प्लस cot इनवर्स का रूट में क्या हो जाएगा थ्री। अब ये देखेंगे कि tan में ये किसका मान होता है, ये 60 का होता है, इसको लिख सकते हैं पाई बाय थ्री, क्योंकि आपको मुख्य मान इससे पहले वाले चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूं माइनस पाई, और ये हमारा होता है cot इनवर्स जो कार्डिनल में तीन होता है वो हमारा cos 60 डिग्री का मान होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बाय 30 का होता है, ठीक है, पाई बाय 6 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व किया जाए तो सबका एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 3 दूना के 6 2 पाई माइनस पाई और 6 प्लस पाई, क्वेश्चन में काट सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे बटा 1 कर लिया जाए तो 1 से 6 में भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा माइनस 6 पाई आ जाएगा, अब यहाँ पे 2 पाई और पाई मिलकर 3 पाई हो जाएगा माइनस 6 पाई बटा क्या हो जाएगा 6, और 3 पाई में से 6 पाई घटाएंगे तो माइनस 3 पाई बाई 6, 3 गुना के 6 ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, और यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 हमारा जो हमारा बी ऑप्शन है वही सही है, और इसी के साथ हमारा प्रश्नावली नंबर 2.2 यहाँ से समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे विविध प्रश्नावली का, तब तक के लिए नमस्कार।